हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। मैं वरुण अवस्थी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है प्रॉपरली? अगर मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, वाई लिख दीजिए या यस लिख दीजिए, ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आप सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूँ। आयुष आर्य, ओके। सर्वेश्वर पांडा, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कनेक्ट हो चुके हो मेरे साथ। और फिलहाल आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगले 3 दिन मैं करंट अफेयर की क्लास जो लूंगा, यहाँ पर जून एंड जुलाई मंथ के करंट अफेयर मैं आपके डिस्कस करूंगा, जो कि आने वाले सीजीएल के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो अगले महीने आपका सीजीएल होने वाला है, वहां पर जून और जुलाई के करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आप सभी ध्यान रखिए, स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी तक 2 क्लासेस हुई हैं। आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो। ए टू जेड बैच है ये, जिसमें सारे टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के मैं कवर कर रहा हूँ। साथ में जो पीडीएफ है वो इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में अवेल हो रही है। अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हो। और इस टाइम पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त मिल रहा है। ये सारे ऑफर्स आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला सेशन सेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, ये कौन है भाई साहब? शॉर्ट अमेजिंग फैक्ट का कहना है, सर जी शादी कब करोगे, नहीं तो बाद में उम्र निकल जाएगी, रिश्ता मांगने में शर्म आएगी। ओके, वेट कराओगे और हम आपकी शादी में डांस करने को बेचैन हो रहे हैं। ओके, सो भैया बात ऐसी है कि मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि 3-4 साल और निकल जाए आराम से, उसके बाद खुद ही कोई रिश्ता लेके ना आए। तो मेरे साथ खुद ही समस्या हो रखी है। इस टाइम पर रिश्ते बहुत आ रहे हैं, बट मैं खुद ही टाइम पास कर रहा हूँ कि हाँ 3-4 साल निकल जाएं और उसके बाद कोई खुद ही ना ऐसा सोचने की कोशिश करे। चलिए आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है ये कौन सी मेट्रो है जिसके द्वारा अभी हाल ही में भारत में पहली बार फास्टैग और UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी लॉन्च करी गई है। तो आपको ध्यान रख रहा है, ये जुलाई मंथ के ही करंट अफेयर हैं, इसी मंथ के मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के द्वारा भारत का पहला फास्टैग एंड UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी लॉन्च करी गई है। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली मेट्रो ने अपने एक स्टेशन जिसका नाम है कश्मीरी गेट, कहां पर? कश्मीरी गेट। जो लोग आप में से दिल्ली में होंगे वो लोग जानते होंगे कश्मीरी गेट एक मेट्रो स्टेशन है। तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में एक इन्होंने UPI एंड फास्टैग बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी लॉन्च करी है। मतलब यहां पर अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आप UPI पेमेंट से UPI पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हो, या फिर फास्टैग के थ्रू भी आप पैसा यहां पर दे सकते हो। तो ऐसी अभी तक कोई भी फैसिलिटी किसी भी मेट्रो में नहीं लॉन्च करी गई थी, तो दिल्ली मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो बन गई है। एक चीज और ध्यान रखना, दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो है जो कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके चलाई गई है। किसको? मतलब कूड़े से एनर्जी बनाकर चलाई गई है। ओके, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा हाईटेक मेट्रो भी दिल्ली मेट्रो ही है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछता है कि पूरे भारत में सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कलकत्ता मेट्रो। इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? प्रज्ञा का कहना है फास्टैग वालों को कैशलेस पार्किंग कर सकते हैं, UPI से पे करो। अच्छा अच्छा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू CBSE क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2021-22 विल बी स्प्लिट इन हाउ मेनी पार्ट। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है अभी हाल ही में CBSE के आधार पर यह फैसला लिया गया कि CBSE इस बार 2022 के जो पेपर होंगे क्लास 10th के और 12th के, वो कितने हिस्सों में लेगा? CBSE इनको 2 हिस्सों में लेगा। यहाँ पर मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, अभी अगले 10-15 क्वेश्चन तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, यहाँ पर आपको आंसर ऑलरेडी टिक्ड मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो न्यूज ये है कि आपको ध्यान रख रहे हैं, CBSE ने फैसला लिया है कि 2022 के लिए जो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे इनको सेमेस्टर वाइज कंडक्ट कराएंगे। मतलब 6 महीने में आधे सिलेबस के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और अगले 6 महीने में आधे सिलेबस के कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद टोटल मार्कशीट जब बनेगी तो दोनों को जोड़ के ही बना दी जाएगी। CBSE की बात करें तो CBSE की स्थापना 1962 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और CBSE के चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एन एडवाइजरी काउंसिल फॉर
क्रिएटिंग एन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे, आपसे कह रहा है इनमें से ये कौन है जिनको अभी हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये है नंदन नीलकनी और राम सेवक शर्मा। नंदन नीलकनी कौन है आपको बता दूं, ये इंफोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, और राम सेवक शर्मा जो है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ है। तो इन दोनों को ONDC की एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको पता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या करता है, इसका मेन काम है कि भारत में जितने भी आपके जैसे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे आकर व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो पैरामीटर भारत सरकार बनाती है इस काउंसिल के तहत ही बनाती है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो टूरिज्म मंत्रालय है इन्होंने कौन से पोर्टल के साथ एक पैक्ट साइन किया है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म मंत्रालय ने yatra.com के साथ अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है, और टूरिज्म मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे, ये थे प्रहलाद सिंह पटेल। जिन लोगों को अभी तक नया कैबिनेट नहीं याद हुआ है एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि नए कैबिनेट से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, PDF नहीं मिल रही है, तो YouTube पर सर्च कर लेना वरुण अवस्थी न्यू मोदी कैबिनेट, तो आपको मिल जाएगा और वहां से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय ओरिजिन के हैं, विच इंडियन ओरिजिन इज सेट टू बिकम सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई इन टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। कहने का मतलब यह है कि कल्पना चावला के बाद ये भारत की दूसरी ऐसी महिला कौन है जो कि स्पेस में यात्रा करेंगी। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली अब दूसरी महिला होने जा रही है भारतीय, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है सिरसा बांदला। क्या नाम है, सिरसा बांदला। एंड बाय द वे आपको बता दूं ये नासा के कौन से प्रोग्राम के तहत स्पेस में जा रही है, इस प्रोग्राम का नाम है VSS यूनिटी। क्या नाम है, VSS यूनिटी। नासा की स्थापना करी गई थी 1958 में, नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का एक कौन सा शहर है जहां पर ड्रोन्स को और अनमैंड व्हीकल्स को पूरे शहर में कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है जहां पर ड्रोन्स और अनमैंड व्हीकल्स को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से यहां पर बैन कर दिया गया। ओके, अभी कुछ टाइम पहले यहां पर इंजरी हो गई थी हमारे सोल्जर्स को, जिसकी वजह से यहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब ड्रोन्स और अनमैंड व्हीकल को कंप्लीटली हर तरीके से स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसी महीने की शुरुआत में जुलाई में यह कौन सा राज्य है जिसके नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन थे, ये थे तीरथ सिंह रावत। तो तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन कर दिया। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, तो तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन कर दिया और इनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में इस टाइम पे गवर्नर कौन है, ये है बेबी रानी मौर्य। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे राज्य है जहां पर गवर्नर भी बदले गए हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, भारत का यह कौन सा राज्य है जिसके नए गवर्नर बने हैं रमेश बाइस। नए गवर्नर बने हैं अभी हाल ही में झारखंड के। कहां के, झारखंड के। एक चीज और ध्यान रखिएगा, झारखंड में पहली बार कोई महिला गवर्नर थी और इनका नाम क्या था, द्रौपदी मुर्मू। तो जितने भी गवर्नर हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही वाला है, रमेश बाइस वाला। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, बाकी ध्यान रखे या ना रखे वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 हैं, सभी आपको ध्यान रखने हैं, बट रमेश बायस आपको ध्यान रखना है, झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू पहली लेडी गवर्नर थी, उनको इन्होंने सक्सीड कर लिया है। ओके, और अगर रमेश बायस के बारे में बात करें तो आपको पता है ये MP रह चुके हैं सात बार, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है, कर्नाटक में BS येदुरप्पा की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मॉडर्ना जो अमरीकी कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है COVID-19 के लिए, तो मॉडर्ना कंपनी का जो कोविड वैक्सीन है जिसका नाम है mRNA COVID-19 वैक्सीन, इट विल बी अवेलेबल इन कंट्री बाय विस डेट। मतलब कहने का,
भारत में ये वैक्सीन आ रहा है मॉडर्ना का, कौन सी डेट से ये वैक्सीन आना था भारत में? 15 जुलाई 2021 से भारत में अवेलेबल है ये वैक्सीन। ये वैक्सीन ध्यान रखिएगा अमरीकी कंपनी है मॉडर्ना, उसका है। और स्पुतनिक कहाँ की कंपनी है? स्पुतनिक कहाँ की कंपनी है? स्पुतनिक आपका जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, ये वैक्सीन है आपका रशिया का। भारत में अभी तक सबसे ज्यादा कॉस्ट अगर किसी वैक्सीन की है तो वो स्पुतनिक की ही है। कितनी है ये? आपका 995 रुपए की वैक्सीन है, ओके। और इसमें 150 रुपए अगर आप ऐड करते हो, मतलब जो कि हॉस्पिटल चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में आप बोल सकते हो, तो टोटल ये आपका हो जाता है कितना? 1145 रुपए का वैक्सीन आपको पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट के, जिनको अभी हाल ही में फिर से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो एक बार मोहम्मद अजरुद्दीन फिर से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से वहां से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। रीजन क्या है आप सभी को पता है, क्योंकि इनके ऊपर फिक्सिंग चार्जेस थे, उसकी वजह से इंक्वायरी चल रही थी बहुत सारे सालों से। तो एक बार फिर से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज एड्रेस्ड कोविन ग्लोबल कंक्लेव 2021? अभी हाल ही में जुलाई के ही महीने में, इसी महीने में कोविन ग्लोबल कंक्लेव 2021 का शुभारंभ किया गया। इसको एड्रेस किसने किया? इसको एड्रेस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, आप में से कौन बता सकता है कोविन ग्लोबल कंक्लेव क्यों आयोजित करी गई थी, इसका मेन मोटो क्या था? आपको पता है इसमें 50 देशों ने इस बार हिस्सा लिया है, 50 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया है। बताइए बताइए इसका क्या मतलब है? चलिए मैं ही बता देता हूं, बताइए जल्दी से। यहां पर इसका मतलब है, कोविन ग्लोबल कंक्लेव का मतलब यह है, ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको पूरे वर्ल्ड भर में चलाया जा रहा है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। बात आ रही है समझ, क्या कहने का मतलब है? ये क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से पूरे वर्ल्ड भर में ज्यादातर कंट्रीज अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उन तक पहुंच के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि वो जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट कराएं, ओके? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं KN भट्टाचार्य। क्या नाम है? KN भट्टाचार्य। इनका पूरा नाम है कल्याण नारायण भट्टाचार्य। आपको पता है लोकायुक्त क्या होते हैं? जैसे भारत में लोकपाल का प्रावधान है, लोकपाल की जिम्मेदारी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारी होती है ये देखना कि केंद्र सरकार कहीं करप्शन चार्जेस में लिप्त तो नहीं है, केंद्र सरकार के लिए इंक्वायरी करना कि वो कहीं से भी करप्शन में लिप्त ना हो। उसी तरीके से हर राज्य सरकार के लिए, हर राज्य के अंदर एक लोकायुक्त का अपॉइंट होना बहुत जरूरी है। लोकायुक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य सरकार को मॉनिटर करते हैं कि वो कहीं करप्शन चार्जेस में लिप्त तो नहीं है, ठीक है? तो जैसे केंद्र सरकार के लिए लोकपाल होता है, वैसे ही राज्य सरकार के लिए लोकायुक्त होता है। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है इस टाइम पे, ओके? ये कौन है भाई, काफी देर से स्पैम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपने बोला था कि टेलीग्राम पर मैसेज करना, ओके, बट टाइम हुआ बट नहीं हुआ, क्या बोल रहे हैं? मैं समझने की कोशिश करता हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बट मुझे आपसे हेल्प चाहिए, ओके? आपके पास GS पढ़ना है, बट प्रॉब्लम है भाई, ब्रो हैं, घर में जिम्मेदारी मुझ पर है। अच्छा ठीक है, ओके, एक काम करिए आप, प्रियान मेरी ईमेल आईडी ले लीजिए, आप मुझे इस पे मेल करिए, varun.avasthi90s@gmail.com। कोई भी मुझे फालतू मेल मत करिएगा, ठीक है? अदरवाइज उससे क्या होता है, रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ उसके बाद मुझे लगता है अगर कोई भी फालतू कमेंट या मेल करता है ना, तो फिर आप लोगों की वजह से क्या है कि जो मददगार होते हैं ना, जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ या जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, उनकी फिर मदद नहीं हो पाती है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ टाइम पहले क्या हुआ। कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने मदद मांगी, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ के लिए मदद मांगी। मैं पूरा तैयार हो गया उसका, उसके घर में ऑपरेशन वगैरह सब कुछ कराने के लिए, लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो स्टूडेंट जिसने मुझे बोला था कि सर आप इसकी हेल्प कर दो, वो स्टूडेंट मुझे बाद में बोलता है कि सर आप उसकी हेल्प मत करना,
उसके पास पूरे पूरे पैसे हैं, वो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाह रहा है। हुआ क्या कि उसने मुझे बोला कि सर आप ये है, ऐसा ऑपरेशन करा दो। तो मैंने कहा कितने पैसे हैं, उसने जितने पैसे बोले मैंने कहा कि बाकी पैसे मैं आपको, ठीक है बाकी मेरी जिम्मेदारी है, जितने पैसे हैं उतने आप मिला देना, बाकी सब मैं करवा के आपका ऑपरेशन ये करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद उसने 3 दिन बाद देखा कि जब सर पैसे ही दे रहे हैं, तो उसने मेरे को बोला सर मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप मुझे मेल करिए, मैं देखता हूँ जो भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज अ पेनाल्टी ऑफ ₹25 लाख ऑन विच बैंक। आपसे कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा अभी इसी महीने जुलाई के महीने में कौन से बैंक के ऊपर 25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है अभी हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। पंजाब एंड सिंध बैंक ने सेक्शन 47A और 46(4) का वायलेशन किया है अभी हाल ही में। ठीक है, बात आई समझ। अब ये सेक्शन 47A और 46(4) है क्या, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के नॉर्म्स का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया आरबीआई ने। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना करी गई थी 1908 में, और इसके इस टाइम पे सीईओ कौन है, ये है वीर सिंह। कौन है? वीर सिंह। बाय द वे करूर वैश्य बैंक के सीईओ इस टाइम पे कौन है, ये है वी रमेश बाबू। पीएनबी के सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव, और एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अरे रियान साहब पीछे जाके देख लीजिए ना एक बार, पीछे जाके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, कैसी बात कर रहे हो आप। हु विल बी फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडियन कॉन्टिंजेंट एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। आपसे पूछ रहा है कि इस बार, मतलब आप देख रहे हो ना अभी अगले ही हफ्ते से 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स जब शुरू होगा तो ये कौन से दो भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि भारत का झंडा लेकर आगे चलेंगे, मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट में फ्लैग बियरर्स के रूप में यहां पर सर्व करेंगे। तो ये हैं एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों भारत का झंडा लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, आपसे पूछेगा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में जब ओलंपिक्स खत्म हो रहे होंगे तो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन होंगे। तो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया फ्लैग बियरर रहेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे स्टार्टिंग में फ्लैग बीरर कौन है, तो एमसी मैरी कॉम और दूसरे मनप्रीत सिंह। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से हॉकी के कैप्टन कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो मनप्रीत सिंह ही हॉकी के कैप्टन है इस बार हमारी तरफ से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी चीफ विल इनॉग्रेट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन विच कंट्री। अभी हाल ही में पिछले महीने ये खबर बाहर आई कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरावने, ये बहुत ही जल्द कौन से देश में भारतीय सोल्जर्स के लिए एक वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये है इटली। अब इटली ने भारतीय सोल्जर्स के लिए वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है हाल ही में। ये वॉर मेमोरियल क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस टाइम पे एक बैटल हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ मोंटे कसिनो। इस बैटल के अंदर इंडियन सोल्जर्स ने इटालियंस की जान बचाई थी। बात आ रही है समझ, जो इटली के लोग हैं इनकी जान बचाई थी, उसके लिए हमारे कई सारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में इटली ने अभी हाल ही में फैसला लिया कि ये वॉर मेमोरियल बना रहे हैं, और इसका शुभारंभ मनोज मुकुंद नरावने करने जा रहे हैं इटली में। इटली में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है, ये है मारियो ड्रिगी। कौन है? मारियो ड्रिगी। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, इटली की कैपिटल है रोम, एंड म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी संस्था है विच विल प्रोवाइड सैटेलाइट टीवी क्लासरूम इन इंडिया। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में बच्चों के क्लासरूम को सैटेलाइट टीवी क्लासरूम बनाने में मदद करेंगे। ये है इसरो। इसरो की मदद से छोटे बच्चों की क्लासेस में सैटेलाइट टीवी लगाई जाएगी। इसकी मदद से क्या होगा, ये सैटेलाइट टीवी क्लासरूम के रूप में वर्क करेंगे, और जो बच्चे हैं वो साइंस को और नियरली एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और इसरो के चीफ कौन है, डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान। और आपको पता है डीआरट कहाँ पे है? डीआरट क्या है, इसको बोलते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डीआरट है आपका पुणे में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। इस किताब के ऑथर कौन है? ये किताब लिखी गई है कविता राव के द्वारा। किसके द्वारा? कविता राव के द्वारा। अब आपको पता है ये किताब कविता राव ने किसके ऊपर लिखी हुई है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है महिला, इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है रुखमा बाई। क्या नाम है? रुखमा बाई। ठीक है, तो रुखमा बाई पता है कौन है? रुखमा बाई भारत की पहली डॉक्टर है। ओके, पहली महिला डॉक्टर है। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया है, तो इनके ऊपर, रुखमा बाई के ऊपर लिखी गई ये किताब है, तभी इसका नाम क्या लिखा हुआ है? द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो कविता राव के द्वारा ये किताब लिखी गई है, न्यूज में है, इंपॉर्टेंट बहुत है, आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अब आपको आंसर देने होंगे, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना, अब आपको यहां से इसके बाद हाईलाइटेड आंसर नहीं मिलेंगे। चलिए आंसर करना शुरू करिए। आपसे कह रहा है भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसकी स्थापना कौन से शहर में करी जा रही है? तो इसकी स्थापना गुजरात के गांधीनगर में करी जा रही है। और गुजरात के गांधीनगर में किस जगह पे? गिफ्ट सिटी में। गुजरात सरकार गिफ्ट सिटी बना रही है ना, उसके अंदर भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है। अब समझिए आर्बिट्रेशन सेंटर होता क्या है। इसका मेन मतलब यह है कि मैरीटाइम से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाता है। मतलब आप ऐसे समझ लो आम भाषा में, पूरे भारत की जितनी भी सीमा रेखा है, ये कोस्टल सीमा रेखा है, मतलब नेवल सीमा रेखा है, यहां से जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा किधर की भी तरफ, ठीक है, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी आपकी यही होगी, गांधीनगर वाला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। ये सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? ये गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये कौन से, ये भारतीय पॉलिटिशियन है जिनका नाम है विदर्भ सिंह, इनका अभी पिछले ही हफ्ते निधन हो गया। ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कौन से राज्य के? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आपको पता है ये एक दो बार मुख्यमंत्री नहीं, पूरे 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। तो विदर्भ सिंह जिनका निधन हो गया अभी पिछले ही हफ्ते, 87 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे। कहां से? कांग्रेस से। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जयराम ठाकुर की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया, हम सभी को पता है, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? देखिए दिलीप कुमार और मिल्खा सिंह, इन दोनों का अभी हाल ही में निधन हुआ है, और इन दोनों से जुड़ी हुई इनकी जो दोनों किताबें हैं, इनका आपको नाम ध्यान रखना है। जैसे कि दिलीप कुमार की जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ देगा मिल्खा सिंह की बुक का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है उनकी किताब का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह का निधन हुआ है 91 की एज में, और दिलीप कुमार का निधन हुआ है 98 की एज में। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, अभी कुछ टाइम पहले का है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, दिलीप कुमार का घर जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी सरकार ने खरीद लिया है और उसमें म्यूजियम बना रही है पाकिस्तानी सरकार, मतलब इनके घर को म्यूजियम में तब्दील कर रही है पाकिस्तानी सरकार, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दिलीप कुमार का वो घर पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? तो आपका आंसर क्या होगा? पेशावर में। कहां पर? पेशावर में। तो इनके पेशावर स्थित घर को म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है जोविनल मूज, इनका निधन हो गया, इनको असैसिनेट कर दिया गया, मतलब इनकी हत्या कर दी गई इनके घर पे। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? मूज, मूज राष्ट्रपति रह चुके हैं हैती के। कहाँ के? हैती के। और हैती एक कैरेबियन कंट्री है, इसकी कैपिटल पता है क्या है? इसको बोलते हैं पोर्ट आउ प्रिंस। क्या बोलते हैं? पोर्ट आउ प्रिंस, ये कैपिटल है हैती की। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। और बरबूडा, इसकी कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं कॉडरिंगटन। क्या बोलते हैं? कॉडरिंगटन। और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। तो यहां पर अभी पता है जेवियर मूस जो थे, ये 2017 में राष्ट्रपति बने थे और 2019 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसी के चलते कुछ पॉलिटिकल
यहां पर द्वंद चल रहे थे और अभी हाल ही में खबर आई कि इनकी हत्या कर दी गई है। तो जो हैती गवर्नमेंट है, हैती के जो इंटर्म प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दोनों को रिक्वेस्ट करी है कि वो जल्द से जल्द अपनी आर्मी हैती में भेज दें, क्योंकि हैती में इनस्टेबिलिटी हो सकती है इनकी मौत की वजह से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कास्टल कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कास्टल अभी हाल ही में बनाया गया कौन से देश में? इसको बनाया गया डेनमार्क में। कहां पर? डेनमार्क में। सैंड कास्टल आपको पता है ना, मिट्टी से आकृतियां जो बनाई जाती हैं इस तरीके से। ये कितना ऊंचा है जो डेनमार्क में सैंड कास्टल अभी हाल ही में बनाया गया है? ये 21 मीटर ऊंचा है और ये इसी के साथ पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कास्टल बन चुका है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है। इससे पहले जर्मनी के नाम ये रिकॉर्ड था 2019 तक, क्योंकि 2019 में जर्मनी में एक सैंड कास्टल बना था जिसकी ऊंचाई थी 17 फीट, ठीक है। लेकिन अब डेनमार्क वाले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और डेनमार्क के कौन से टाउन में इसको बनाया गया है? इस टाउन का नाम है ब्लोकुस। क्या नाम है? ब्लोकुस टाउन। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसमें कितनी मिट्टी लगी है? इसमें 4,860 टन मिट्टी का यूज किया गया है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और कल मैं स्क्रीन में आके आपको पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिकन रेटिंग एजेंसी, जिसको हम लोग फिच रेटिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, इन्होंने साल 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? तो फिच ने 10% प्रिडिक्शन दिया है भारत का जीडीपी। इससे पहले फिच ने 12.8% प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है और फिच का प्रिडिक्शन है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ 10% ही रहेगा। फिच की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1913 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके सीईओ हैं पाउल टेलर। कौन है? पाउल टेलर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा अभी हाल ही में पोस्ट पेड मिनी लोन फैसिलिटी लॉन्च करी गई है? मतलब कहने का, पोस्ट पेड मिनी नाम की एक लोन फैसिलिटी इन चारों में से किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च करी है? इसको पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप समझिए, काफी इंटरेस्टिंग लोन फैसिलिटी है। मतलब अगर आपको बिल्कुल छोटा पॉकेट लोन जिसको बोलते हैं ना, वो अगर लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, पेटीएम पोस्ट पेड मिनी लोन फैसिलिटी के तहत बोलता है कि आप 250 रुपए का मिनिमम लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी भाजी तरकारी खरीदने गए, ठीक है, नॉर्मली आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो अब आपको वापस आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, धूप है मान लीजिए, या फिर गाड़ी में आपका पेट्रोल भी लिमिटेड ही है, तो उस केस में आप क्या करिए, तुरंत पेटीएम से आप उधार ले सकते हो पोस्ट पेड मिनी लोन फैसिलिटी के तहत, और इसको आप बाद में चुका सकते हो। और पेटीएम ने इस लोन फैसिलिटी के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। पेटीएम की स्थापना साल 2009 में करी गई थी और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा। पेटीएम के इस टाइम पे सीईओ है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैबिनेट रीशफल, हाउ मेनी लीडर्स हैव टेकन ओथ एज मिनिस्टर। आपसे कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी जो कैबिनेट है ये रीशफल हुआ है, इसमें कितने नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करी है? तो टोटल अगर बात करें तो 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करी है इस बार, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अभी हाल ही में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बदल चुके हैं। रमेश पोखरियाल की जगह नए एजुकेशन मिनिस्टर अब कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। बाकी मेरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मैंने ये भी बताया हुआ है कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, जिसका नाम है एक्वाटिक किंगडम, इसको कौन से शहर में स्थापित किया गया है? तो भारतीय रेलवे ने पहली बार एक एक्वाटिक किंगडम नाम का एक मूव करने वाला फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम लॉन्च किया है। कहां पर? इसको बैंगलोर के रेलवे स्टेशन में लॉन्च किया गया है। अब समझिए इसको क्यों लॉन्च किया गया है। जैसे ये देखिए, टनल बनाई गई है पूरी आपकी, ऊपर इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें ऑक्टोपस होंगे, मछलियां होंगी, ठीक है, और भी कई सारी मरीन वनस्पतियां होंगी। अब मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, वेट कर रहे हो ट्रेन का,
तो यहां पर यात्रियों की कुर्सियां लगी होंगी, यहां पर यात्रियों की कुर्सियां, मतलब कहने का एक तरीके से जो पैसेंजर हैं उनके वेटिंग टाइम को प्लेजरेबल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कि मतलब कहने का कि अगर ट्रेन लेट है तो आप एंजॉय करिए इस चीज को तब तक। इसको धीमे धीमे इंडियन रेलवे के द्वारा पूरे भारत भर में कई सारे स्टेशन में लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेशन बना बेंगलोर रेलवे स्टेशन, जहां पर इसको लॉन्च किया गया है। जी हाँ, वही मतलब समझ लीजिए फ्री बैठे बैठे एंटरटेनमेंट, आपका टाइम पास हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन के द्वारा इनका पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया गया अभी इसी हफ्ते कौन से शहर में। अमेजॉन ने पूरी दुनिया में पहला डिजिटल केंद्र अपना स्थापित किया है, भारत के कौन से शहर में इसको स्थापित किया है, सूरत में। अब ये डिजिटल केंद्र है क्या, ये क्यों स्थापित किया गया है? ये भारत के एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए स्थापित किया गया है। एमएसएमईज का मतलब समझते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग करने वाले जो लोग होते हैं उनको अमेजोन इसके तहत हेल्प करेगी। किसमें किसमें हेल्प करेगी? पहली चीज तो नॉलेज में हेल्प करेगी, अगर उनको बिजनेस में किसी भी नॉलेज की जरूरत है तो अमेजोन उनको हेल्प करेगी। दूसरी चीज स्किल्स में हेल्प करेगी, अमेजोन उनको ये बताएगी कि वो अपनी स्किल्स को कहाँ कहाँ पर सुधारेंगे तो बिजनेस में उनको फायदा होगा। और तीसरी चीज टेक्निकल सपोर्ट भी देगी अमेजोन, ठीक है? तो इन तीन चीजों में मदद करेगी अमेजोन का डिजिटल केंद्र। अमेजॉन कंपनी की स्थापना 1994 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, और इसके मालिक कौन है, ये है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। स्वाधीन का कहना है सर साइंस एंड डिफेंस का करंट अफेयर आप करवा दीजिए। देखिए मैं जब इतना आपको बोलता हूं तो आई थिंक इतना ही काफी है कि आप मेरे करंट अफेयर पढ़ के सीडीएस दे दीजिए, एफकैट दे दीजिए, ठीक है, बैंक आप दे दीजिए। बस बैंक के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा फिगर्स पर फोकस करना। एसएससी के तो आप हर एग्जाम दोगे ही दोगे, रेलवे का आप हर एग्जाम दोगे, और आप स्टेट पीएससी दे दीजिए, तो यहीं से बात खत्म हो जाती है। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मैं डिफेंस के आपको अलग से कराऊं या साइंस के अलग से कराऊं? ऐसे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, समझ रहे हो ना? जब मैं इतने एग्जाम्स के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इतने एग्जाम्स के लिए मेरे करंट अफेयर अप्रोप्रिएट है, बेस्ट कंटेंट है, दैट्स इट, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। ना विश्वास हो तो जाके देख लीजिएगा, एक बार पेपर दे के देख लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, खत्म हो गई बात। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि बहुत जल्द अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है? तो ये राज्य सरकार है केरल राज्य सरकार। अब देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि G5 हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हो गया, वूट हो गया, ये सब आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब हुआ क्या कि केरल सरकार को एक बात की शिकायत है, केरल सरकार का कहना है कि पिछले एक साल में इन सभी प्लेटफॉर्म्स को अगर मिला दें तो इन्होंने टोटल 15 मलयालम मूवी तक नहीं लॉन्च करी है। इनका कहना है कि एटलीस्ट आपको 15 मलयालम मूवी तो लॉन्च करनी चाहिए थी, 15 भी आपने लॉन्च नहीं करी है। इसकी वजह से केरल सरकार ने फैसला लिया कि अब ये दूसरे जितने भी बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के, इनको फंडिंग नहीं करेंगे। भैया जब राज्य सरकारें आपको पैसा दे रही हैं और राज्य का कल्चर भी प्रमोट नहीं हो रहा है तो फिर वो पैसा क्यों दे? तो केरल सरकार ने कहा अब हम इनको फंडिंग नहीं करेंगे और खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसका मेन मोटो ये होगा कि उसमें मलयालम फिल्म कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, मतलब साउथ की फिल्में उसमें इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। और केरल में पिनाराय विजयन ने अभी जून के महीने में नई सरकार बनाई है फिर से, ठीक है, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्पर्श, अभी ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा स्पर्श को लॉन्च किया गया? यहाँ पर स्पर्श का मतलब क्या है? स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस मंत्रालय के द्वारा, और डिफेंस मंत्रालय कैबिनेट रीशफल होने के बाद भी एक बार फिर से राजनाथ सिंह के पास है। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, देखो पहले इसके बारे में बता देता हूं, अब ये स्पर्श है क्या? स्पर्श का मेन मोटो पता है क्या है? इसका मेन मोटो है कि डिफेंस मिनिस्ट्री पता है क्या करने जा रही है, ऐसे डिफेंस पर्सनल जो कि रिटायर हो गए हैं या रिटायर आगे होंगे, अब मान लीजिए कि उनकी पेंशन बनती है, ठीक है, तो हर एक तारीख को एक लूप जनरेट कर दिया जाएगा उनके अकाउंट में कि हर एक तारीख को पैसा किसी को ट्रांसफर करने की जरूरत ना पड़े।
बाई डिफॉल्ट सीधे उनके अकाउंट में पैसा चला जाए पेंशन के रूप में। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि लूप लगा दिया गया कि हर एक तारीख को सुबह 10 बजे पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, 10 AM, तो 10 बजे जो पर्सन होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी उनकी पेंशन। ठीक है, तो ये इसके तहत इसका मेन मोटो है जिसको स्पर्श प्रोग्राम बोला गया है। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 बैंकों के साथ पैक्ट साइन किया है। दोनों भारत के सबसे बड़े बैंक है, एक तो SBI और दूसरा PNB। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑटोमेटिक डिस्पर्स ऑफ डिफेंस पेंशन सिस्टम लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, तो ये अच्छी मुहिम है। और एक क्वेश्चन अभी और समझिए, जो मैंने कैबिनेट रीशफल की अभी बात करी, इस बार मोदी सरकार ने एक नया कैबिनेट बनाया या आप बोल सकते हो नई मिनिस्ट्री बनाई हुई है। इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट किसके पास है? ये इस बार अमित शाह को दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। इसका मेन मकसद क्या होगा? इसका मेन मकसद होगा भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो नए मानक बनाए जाएंगे वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के ही द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो कॉर्पोरेशन मंत्रालय ध्यान रखिएगा अमित शाह के पास है और होम अफेयर्स मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? अभी हाल ही में भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नए मंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए मंत्री बने हैं पशुपति कुमार पारस। क्या नाम है? पशुपति कुमार पारस। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हाजीपुर। हाजीपुर ये लोकसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मिनिस्ट्री इन द यूनियन कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, इसी के बारे में अभी मैं बात कर रहा था ना कि भारत सरकार के द्वारा एक नई मिनिस्ट्री लॉन्च करी गई है। इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और यह मंत्रालय किसको दिया गया है? अमित शाह को दिया गया है यह मंत्रालय। साथ में होम अफेयर्स मंत्रालय भी इन्हीं के पास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी पिछले ही हफ्ते ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो AIR के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। कौन? इनका नाम पता है आपको क्या है? यह ब्यूरोक्रेट है और इनका नाम है N वेणुधर रेड्डी। क्या नाम है? N वेणुधर रेड्डी। ये IIS ऑफिसर हैं 1988 बैच के। और ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में करी गई थी और 1957 से इसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऑनलाइन लर्निंग कोर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है फिश फार्मर्स के लिए? तो जो मछली उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनके लिए मत्स्य सेतु नाम का एक ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऐप लॉन्च किया गया है। इस कोर्स ऐप की मदद से जो मछली उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, ठीक है, वो लर्निंग कैपेबिलिटी सीख सकते हैं, मतलब अपने अंदर लर्निंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि किन किन चीजों का उनको ध्यान रखना है मछली उत्पादन के टाइम पे। और एक चीज और, ये मंत्रालय किसके पास था? ये मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास था। किसके पास? गिरिराज सिंह के पास। लेकिन अब ये मंत्रालय किसके पास चला गया है? तो इसके नए मिनिस्टर बने हैं पुरुषोत्तम रूपाला। क्या नाम है? पुरुषोत्तम रूपाला। नाम ध्यान रखोगे आप, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो गिरिराज सिंह अब इसके मंत्री नहीं है, पुरुषोत्तम रूपाला के पास है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में रेलवे मंत्रालय किसको दिया गया है? तो रेलवे मंत्रालय पीयूष गोयल के पास हुआ करता था, अब रेलवे मंत्रालय दिया गया है एक्स IAS ऑफिसर अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव, ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। और इनको सिर्फ रेलवे मंत्रालय ही नहीं दिया गया है, काफी अतिरिक्त पदभार भी इनको दिया गया है। जैसे कि इनको IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भी दिया गया है, साथ में कम्युनिकेशन मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो 3 मंत्रालय संभालेंगे अश्वनी वैष्णव। ठीक है, देखिए, जो बड़े बड़े मंत्रालय है ना वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ओके, जैसे आपका रेलवे हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, ओके, ये सब आप ध्यान रखिए, फाइनेंस ध्यान रखिए, और जो आपका फूड एंड प्रोसेसिंग एक बार को चलिए ठीक है, और जैसे नई मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये ध्यान रखिए, डेयरी मंत्रालय ध्यान रखिए, ये सब ध्यान रखिए, बड़े बड़े मंत्रालय आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत भारत में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो अमेरिका की तरफ से उनके नए राजदूत जो भारत में अपॉइंट किए गए हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है एरिक गारसेटी। क्या नाम है? एरिक गारसेटी।
और एरिक गार्सेटी के बारे में आपको बता दूं, ये अमेरिका में लॉस एंजल्स से मेयर हैं, और इससे भी पहले ये अमेरिकन नेवी में इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, जितने भी ब्यूरोक्रेट होते हैं जो ज्यादातर डिफेंस से जुड़े होते हैं, उन्हीं को आपको एम्बेसडर वाला प्रोफाइल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पॉपुलेशन पॉलिसी बिल लॉन्च किया गया है? तो पॉपुलेशन पॉलिसी बिल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। अब ये पॉपुलेशन पॉलिसी बिल है क्या? योगी आदित्यनाथ की सरकार टू चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके तहत उनका साफ कहना है कि टू चाइल्ड पॉलिसी, देखिए अभी ये पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है, जैसे ही ये पास हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में ये कानून हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप दो बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। अगर आप दो बच्चों से ज्यादा पैदा करते हो तो ध्यान रखिए वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकेगा, कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और ना ही आपको कोई भी सब्सिडी मिलेगी आपके घर को, ठीक है। और अगर आप दो बच्चों से कम रखते हो, मतलब मान लीजिए आप एक बच्चा पैदा करते हो, तो उस केस में आपको सब्सिडी सारी मिलेंगी और गवर्नमेंट जॉब में भी फायदा मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो ये सारे फायदे हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस पॉपुलेशन पॉलिसी बिल के तहत। इसका मेन मकसद आपको पता ही है, जनसंख्या को नियंत्रित करना। उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये है आनंदी बेन पटेल। ओके, तो अभी बस इसका इंतजार है, जैसे ही ये पास हो जाता है, और डेफिनेटली ये पास होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार है, तो जैसे ही ये पास होगा ये एक्ट बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एक किताब है, इस किताब का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई, किसके द्वारा लिखी गई किताब है, इस किताब को लिखा है किसने? इनका नाम है बलजीत कौर तुलसी, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, और इस किताब की पहली कॉपी पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का ये हम लोग हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आपका अगले महीने पेपर है, ठीक है, तो अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो ध्यान रखना, जून के और जुलाई के, तीन महीने के इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखोगे, जून जुलाई अगस्त, ओके। और उसमें भी ये सब मत ध्यान रखने लगना जो पता लगे फादर्स डे मदर्स डे पढ़ने लगो, ये सब फादर्स डे मदर्स डे नहीं पूछेगा आपसे, आपसे क्या पूछता है, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को जैसे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, हाँ जो पता लगे फादर्स डे मदर्स डे और नाना नानी डे ये सब पढ़ने लगो, वैलेंटाइन डे चॉकलेट डे टेडी बियर डे ये सब मत पढ़ने लगना। और इस बार की थीम क्या थी? राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ये कौन सी डिफेंस यूनिट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में किसी भी डिफेंस एसेट के आसपास की 3 किलोमीटर की रेडियस में ड्रोन्स को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया गया है? तो ये डिफेंस यूनिट है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में सर्कुलर पास कर दिया गया है कि पूरे भारत में इंडियन नेवी की कोई भी यूनिट है आप उसके 3 किलोमीटर की रेडियस में ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते हो। और नेवल चीफ इस टाइम पे कौन है? ये है कौन? करमवीर सिंह। एयरफोर्स चीफ कौन है? ये है आर के सिंह भदौरिया। और इंडियन आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। एंड कोस्ट गार्ड चीफ कौन है? ये है के नटराजन। कौन है? के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ बिल एज नो गवर्नमेंट जॉब एंड सब्सिडी टू दोज हैविंग मोर देन इफ ओवर 2 चिल्ड्रन। देखिए अभी वही बात जो मैंने आपसे बोली, ठीक है ना। हाँ जी, ये कौन है? विद्युत बोरा का कहना है कर्नाटक। नहीं डियर, अभी अभी तो बताया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ओके, अरे छोड़ दीजिए आप किसी को, कोई कुछ भी बोल रहा है छोड़ दीजिए उन्हें, अभी मैं बोर्ड में नहीं हूं, बोर्ड में होता तो फिर बताता, छोड़ दीजिए, कल की क्लास में बोर्ड में आऊंगा। हाँ जी, तो देखिए अभी मैंने आपसे बात करी ना, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल ला रही है? तो ये है
आपकी उत्तर प्रदेश सरकार। तो वही अभी जो मैंने बात करी, आपको ना ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना ही आपको सब्सिडी मिलेगी अगर दो चाइल्ड से आप ऊपर पैदा करते हो, ठीक है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, कर्नाटक में बी एस येदुरप्पा की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साल 2021 एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो 2021 में एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीती है इस बार कोरियन एयरलाइन। कौन सी एयरलाइन? कोरियन एयरलाइन। अपनी बेस्ट फैसिलिटीज के लिए इसको एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। कोरियन एयरलाइन की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है सियोल, और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है चो वॉन टाई। क्या नाम है? चो वॉन टाई। अगला क्वेश्चन, आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सॉरी ये कौन सा राज्य है जिसको अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के मैप में इंक्लूड कर लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसी महीने की शुरुआत में मणिपुर में रेलवे चल गई है, ठीक है। तो मणिपुर एक ऐसा राज्य था जहां पर अभी तक रेलवे नहीं थी, तो मणिपुर में रेलवे चल गई है। तो रेल चल जाने की वजह से अब मणिपुर को भी इंडियन रेलवे में के मैप में शामिल कर लिया गया है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, और नागालैंड में नेपियर योगी सरकार है। इंडियन रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन है इस टाइम पे सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। ध्यान रखना, सुनीत शर्मा को इसी साल 1 जनवरी 2021 में चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इन्होंने वीके यादव को सक्सीड किया है। कोई समस्या तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। 21 जुलाई से अगले हफ्ते सॉरी जो अगले महीने आपका जो एग्जाम आ रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल के, तो उसके लिए मैं जीएस जीके का कंप्लीट रिवीजन बैच लॉन्च कर रहा हूँ। आप इसको अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्काउंट कोड है Varun777। आप इसको लगाएंगे तो सारे ऑफर्स और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसकी भी नैया पार हो सकती है इस बैच को पढ़ के। इसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही आपसे डिस्कस करूंगा। इम्पॉर्टेंट के अलावा कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा, मात्र सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपके लिए आखिरी मौका है, और लास्ट में एक तरीके से है ना कि आपको कुछ देकर मैं हर बार एग्जाम में भेजता हूँ, तो इस वजह से इस बैच को लॉन्च कर रहा हूँ। 21 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। आज की बात यहीं तक होगी, फिर से कल रात में 9 बजे यहीं पर मुलाकात होगी, और जितने करंट अफेयर आज हो गए हैं उसी के आगे फिर से बढ़ेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।